बच्चों देखते हैं सबसे पहले प्रश्न, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ा जाता है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न हमसे क्या मांग रहा है। प्रश्न को पढ़िए, जब तक प्रश्न प्रश्न को पढ़िएगा नहीं तब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा। लेकिन तेजी में मत पढ़िए, स्लोली पढ़िए। ध्यान दीजिए कैसे, देखिएगा रहा है, 0 और 50 के बीच किसके किसके बीच बच्चों, 0 और 50 के बीच यानी 0 से लेकर 50 तक, कहां तक, 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, किस संख्या को विषम संख्या कहते हैं, यह पता होना चाहिए ना, तब ना। तो देखिए, विषम संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। इस संख्या में 2 से पूरा नहीं लगता है भाग और इसमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, वही क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। यानी जो 2 से भाज्य नहीं होती है वही क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए, 2 से भाज्य नहीं होने वाली संख्या, जैसे देखिए हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुछ संख्याएं होंगी, लगातार होंगी, यह लगातार संख्याएं हैं, क्रमानुसार हैं। तो यहां देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो 0 को तो छोड़ दीजिए, 0 ना विषम है ना सम है ना भाज्य है ना अभाज्य। उसके बाद चलिए 1 जो है विषम संख्या है। अब चलिए 1 के बाद 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए 2 क्या है, सम संख्या है। उसके बाद चलिए 3 2 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए 3 क्या है, विषम संख्या है। 4 2 से विभाज्य है, इसलिए 4 सम संख्या है। 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5 विषम संख्या है। 6 2 से विभाज्य है, इसलिए 6 क्या है, सम संख्या है। 7 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 7 विषम संख्या है। 8 2 से विभाज्य है, इसलिए विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। 9 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 9 विषम संख्या है। तो इस प्रकार से जो है हम देख रहे हैं कि विषम संख्याओं के अंत में क्या होना चाहिए, कैसे पता कीजिए कि यह विषम संख्या है। बड़ी सी बड़ी संख्या होगी, जैसे मान लेते हैं 1,00,000 में है, 1,00,00,000 में है, तो भाग तो करना पड़ेगा आपको, तब ना पता लगेगा। तो सीधी सी बात है कि विषम संख्या को पता करने के लिए उसके अंत में यानी इकाई स्थान पर देख लीजिए, यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 में से कोई एक संख्या हो तो वह विषम संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यानी अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी एक संख्या होगी तो वह विषम संख्या होगी। अब आइए, विषम संख्या के बीच में अंतर कितना का चल रहा है, प्रत्येक विषम संख्या सम संख्या बीच में देखिए 1 का अंतर चल रहा है। 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में फिर 1 जुड़ेगा तो 3 आएगा, यानी विषम आ गया। फिर 3 में जुड़ेगा तो 4 आएगा, सम आ गया। फिर 4 में जुड़ेगा तो 5 आएगा। फिर 5 में जुड़ेगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या विषम के बाद एक सम आ रही है, फिर सम के बाद एक विषम आ रही है, फिर विषम के बाद एक सम आ रही है, सम के बाद विषम आ रही है, यानी
आधी संख्याएं छांट दी जाए जीरो से पचास तक, तो आधी संख्याएं जो है सम हो जाएंगी और आधी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो जीरो से पचास के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो विषम होंगी, तो पच्चीस होंगी। क्यों पच्चीस होगी, क्योंकि पचास का आधा कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा। यह नियम कहाँ काम करेगा, जहां पर लगातार संख्याएं दी गई हो वहां पर काम करेगा आधा वाला। अब आइए पहले एन निकालेंगे, एन बराबर लिखेंगे पचास बटा कितना, दो। पचास बटा दो क्यों बच्चों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आधी संख्याएं जो है सम हो जाएंगी, आधी क्या हो जाएंगी, विषम हो गई। तो दो से भाग करेंगे तब ना, इसका मतलब है कि जीरो से पचास के बीच पच्चीस संख्याएं हैं जो विषम है, ठीक है। यह नियम लगातार संख्याओं में ही काम करेगा, तो पच्चीस गुना कितना हो जाएगा, पचास, एन हो गया पचास। अब देखिए जीरो और पचास के बीच की विषम संख्याएं, जीरो और पचास के बीच की विषम संख्याएं क्या बनाएंगे, एक एपी बनाती है। क्या बनाती है, एपी बनाती है। क्यों एपी बनाती है, क्योंकि प्रत्येक में अंतर एक एक आएगा। देखिए तो प्रथम विषम संख्या जो होगी एक होगी, क्योंकि जीरो विषम संख्या नहीं है, एक होगी पूर्ण संख्या है जीरो। दूसरी विषम संख्या एक में एक जुड़ेगा तो दो आएगा, दो में एक जुड़ेगा तो फिर कितना आएगा, तीन आएगा। तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, डॉट 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 करके एन, ठीक है। अब देखिए देखेंगे यहाँ ए वन बराबर हो गया एक, ए टू बराबर हो गया तीन। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एन बराबर हो जाएगा पच्चीस, हमें ज्ञात करना है क्या, एस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वाट, बी इक्वल टू फाइव, यानी पच्चीस विषम संख्याओं का जो ज्ञात करना है। जीरो से पचास के बीच पच्चीस विषम संख्याएं हैं। अब आइए डी निकाल दीजिए, डी बराबर लिखिए, अब बी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू हो गया तीन माइनस एक बराबर कितना हो गया, दो। अब एस एन के फॉर्मूला पर रख दीजिए, अब लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा दो पोस्ट दो ए प्लस एन माइनस एक गुणे बी। अब देखिए कितने पदों का जो ज्ञात करना है, तो 25 विषम संख्याओं का जो ज्ञात करना है। एन का मान 25 बटा हो गया दो, कोष्ठ हो गया दो गुणे ए का मान एक है, जो एन का मान 25 माइनस एक, बी का मान कितना आया है, दो। बराबर यह हो गया 25 बटा कितना, दो। कोष्ठ हो गया, दो में एक से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, दो आ जाएगा। जो 25 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 गुना कितना, दो हो गया। बराबर हो जाएगा 25 बटा कितना, दो। कोष्ठ दो जो 24 गुना 48, ठीक है बच्चों, बराबर हो जाएगा 25 बटा दो गुने 48 में दो जोड़ देंगे कितना आएगा, 50। अब देखिए 50 जो है 25 से कट जाएगा, कितना बार में, 25 बार में दो से कट जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 25 गुने 25, बराबर हो जाएगा 25 में 25 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 625। इसका मतलब है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 625 होगा। आंसर में लिख देंगे 0 और 50 के बीच की
विषम संख्याओं का जो कितना है 625 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।